GOTV investigators, through their reports, claim to have shown us the house of mastermind Hamad Sadiq. They have also shown the house where the conspiracy was hatched. These reports come after GOTV's investigative team travelled to a location 1.5 hours away from Karachi. This property in Dondi, right by the coastline. Locals here told GOTV that this 50-acre property was off-limits for the locals and that there was hectic activity, especially at night. 15,000 रुपए वो दे के गया ही जेंद्रे 3-4,000 बच्चा है हमारे हाँ मोबाइल नंबर उन्हें मैंने मुझको दिया है आप बात करते हो उससे नहीं होती बात भाई अभी बात नहीं होती नहीं होती मोबाइल बंद है मोबाइल उनका बंद है डेंजर सी क्या सी उन आए ताले तुले तोड़े उन्होंने कहाँ के ताले तोड़े सारे कमरों के अच्छा फिर क्या पूछा आपसे उन्होंने हम पूछे भी कितो आए जैसे उन्होंने बताया अभी मुजफ्फरगढ़ से आए वो हमारे शिनाख्ती कार्ड लिया उन्होंने ले गए शिनाख्ती कार्ड उन्होंने शिनाख्ती कार्ड लिया उन्होंने वो सारा नंबर लिखे The locks to the house was finally broken down by park police, who found all indications that the house had been lived in. ये वो मकान है जिसके बारे में तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि बॉम्बे हमलावरों ने यहाँ पर क्याम किया था इस मकान में दाखिल होने पर जो सबसे पहली चीज हमें नजर आती है वो ये कमरा है इस कमरे के दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं इनमें से एक ताला जो है वो सील है फिशिंग बोर्ड पर इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें यहाँ मौजूद है ये एक पूरा लॉकर्स का एक सिस्टम है जिसमें जो है जो तमाम दरवाजे जिसके खुले हुए हैं उसके अलावा एक छोटी अलमारी भी यहाँ पर मौजूद है जिसको यहाँ पर तोड़कर इसके अंदर तलाशी ली गई है कुछ चाबियां यहाँ मौजूद तो हैं जिन्हें इन तालों में आजमा कर यहाँ पर इन तालों को खोलने की कोशिश की गई है फ्रेम मौजूद है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक स्पीड बोट का जो है ये फ्रेम है यकीनन उन्होंने इसको जो है कोई सी मॉडल के तौर पर उन्होंने सोचा है इनसाइड द हाउस वाज फाउंड इस्लामिक लिटरेचर इन अ शेल्फ इन वन ऑफ द रूम्स देयर वर मेडिकल सप्लाइज विद मेडिसिंस एंड सिरिंजेस Oil drums were also found in the house. GOTV claims in its report that it is this house where the terrorists lived before they made the final journey to Indian shores. Bureau Report Times Now. Television first investigative report nailed Pakistan's life when the channel's reporters traveled to a village in Faridkot, Pakistan to this house. The house of Ajmal Amir Kasav. An admission that came from the locals but only off camera. ये कसाई हवेली लक्का से आया था कई साल पहले मैंने तो इसके बेटे और पोते नहीं देखे सुना है ये चार भाई हैं एक लाहौर में भी काम करता है सुना है कि ये लड़का 4-5 महीने पहले आया था यहाँ इसने अपनी माँ को कहा कि मेरे सर पर हाथ फेड़ दो मैं जहाद पर जा रहा हूँ दसते पैसे नहीं थी जो बंदा बयान थी भी कुछ 6-5 महीने 5-6 माह पहले आया था यहाँ माँ को कह रहा था जहाद पर जा रहा हूँ मेरे सर पर हाथ फेड़ दो और अल्लाह के सुपुर्द कर दो फरीदकोट का एक आदमी बता रहा था कि जब वो आखिरी बार आया तो तौहीदी स्कूल के पास लड़कों को इकट्ठा करके कह रहा था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ वो कराटे के करतब दिखाता रहा इसके बाद यही सुनते रहे हैं कि वो घर से गायब हो गया और किसी जहादी तंजीम में शामिल हो गया बट व्हेन द जीओटीवी रिपोर्टर्स स्पोक टू देम ऑन कैमरा देयर वर्जन वॉज वेरी डिफरेंट मेरे गांव में ये मैंने पूरी छानबीन भी की है और मुझे खुद भी घर घर का पता है हर घर में मैं वोट लेने के लिए भी जाता हूँ मैं जाती तौर पूरे गांव को जानता हूँ मेरा गांव मैं फरीदकोट का ही रहिशी हूँ और मैं यहीं की नाजम बना हूँ लेकिन इस गांव में अजमल आमर का नाम का कोई आदमी नहीं GOTV's report confirmed what New Delhi had been saying all along that Kasav was a Pakistani and it took Islamabad close to 50 days after this report was aired to confirm Kasav's identity. Bureau Report, Times Now. Musa Khan Khel was a fearless journalist committed to the truth. But someone in this crowd couldn't stand his guts. Musa Khan Khel was slaughtered. यहाँ पर एक मूसा खान नहीं
सैकड़ों मूसा खान शहीद होने के लिए तैयार हैं। Jio TV has through its investigations shown us this locality where it claims the mastermind Hamad was living when arrested. Jio TV has also through its investigations shown us the house where the plot, the 2611 plot, was hatched. Still two rooms in this Karachi house sealed, with Jio TV reporting crucial evidence was unearthed from this house. Jio TV also showed us this property on the Karachi coastline that housed these quarters where the reporter claims the 2611 terrorists lived before they went in for the final assault, travelling by sea to Mumbai. And it is the Jio TV crews that showed us the village where Ajmal Amir Kasav, the lone surviving 2611 terrorist, came from. All these investigative reports that Jio TV claims provide crucial links in the probe into how 2611 was plotted, planned and finally executed. Bureau Report, Times Now.